तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है चैंपियनशिप्स लीग का, बेयर म्यूनिख वर्सेस पीएसजी के बीच, 1 घंटे 48 मिनट के बाद। रियली मैच बहुत ही ज़्यादा रिस्की है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बेयर म्यूनिख और पीएसजी दोनों टीम्स आमने सामने बराबर की टक्कर की है। मतलब अगर बेयर म्यूनिख गोल करेगी तो पीएसजी 2 गोल करेगी, और अगर पीएसजी गोल करेगी तो बेयर म्यूनिख भी 2 गोल करने की ताकत रखती है इस मैच के अंदर। पूरी बराबर की टक्कर, इसे कहते हैं बराबरी टक्कर। तो इस मैच की आपको मैं फाइनल टीम पोस्ट करूंगा अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। कई लोग ना मेरे नाम के किसी फेक चैनल में जुड़ते जा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी चैनल्स हैं, लेकिन उनसे बच के रहो गाइस। मेरा यही ओपन चैनल है, मेरे नाम का अदर सारे जो भी चैनल है वो फेक हैं, यही मेरा ओरिजिनल ओपन चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दिस इज प्रीवियस मैच स्क्रीनशॉट्स ऑफ यूरोपियन टीटन एंड फुटबॉल रिजल्ट। फुटबॉल अपना बहुत बेस्ट गया, मैंने इन्वेस्ट करी नहीं थी फुटबॉल में एक्चुअली, मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत मतलब बिजी शेड्यूल रहता है यार थोड़ा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोला मैच था गाइज, ये प्रीवियस मैच अपना जो कि डेंजरस गया था, आप आगे देख सकते हो, ऐसे में ओपन दिखाना अच्छा नहीं लगता गाइज। तो चलते हैं आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो बेयर म्यूनिख वर्सेस पीएसजी, तो दोनों टीम्स अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, बट इधर जो कॉम्बिनेशन है वो 50-50 करेगा। मतलब किसी सिंगल साइड मत जाना, अगर आपने जीएल खेलनी है देन यू कैन गो, बट इफ़ यू आर प्लेइंग स्मॉल लीग देन गो विद डबल साइड। और आगे से बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ सुनूंगा पहला प्लेयर मैनुअल न्यूयर। मैनुअल न्यूयर ने पिछला मैच नहीं खेला, इसकी जगह जो प्लेयर खेलता था वो था ए न्यूबल। न्यूबल ने भी पिछले मैच के अंदर इतना खास नहीं खेला, तो मुझे लगता है कि आज ये एम न्यूयर की वापसी करवाएंगे, क्योंकि इनको ज़रूरत है। और आगे से बात करूँगा इस डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा ए फ्लोरेंजी को, पीएसजी का ए फ्लोरेंजी आज के मैच के अंदर खतरनाक खेलता दिखेगा। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि बी पवार्ड जो प्लेयर है, ये जो आप प्लेयर देख रहे हैं, ये बेयर म्यूनिख का टॉप का डिफेंडर रह चुका है, बट अभी थोड़ी सी फॉर्म बिगड़ी हुई है ड्यू टू ये बंडसलीगा लीग के अंदर मैंने फॉर्म देखी थोड़ी नीचे जा रही है। और एल हर्नांडेज की बात करूँ तो ये बेयर म्यूनिख का प्लेयर काफ़ी ऊपर उठ रहा है, और मेरे को लगता है कि ये प्लेयर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस टीम की डिफेंडिंग अच्छी होगी डेफिनेटली उस टीम की मिडफील्डिंग और तगड़ी होगी, ये आप कभी भी किसी भी टीम पर नोटिस कर लेना। आगे से बात करूँ मार्को न्यूस की, तो गाइज यहाँ से लूँगा मार्को न्यूस, जो कि ये प्लेयर भी काफ़ी कबार फॉर्म में रहता है एक्चुअली, बंडसलीगा लीग वन में खेलती है ये वाली टीम गाइज, तो लीग वन में ये प्लेयर भी 8.5 क्रेडिट का नॉर्मली मिलता है एक्चुअली। बीच में इसके क्रेडिट्स काफ़ी हाई हो गए थे, आप देख सकते हैं 9 क्रेडिट का मिलता था एक्चुअली, फॉर्म बहुत अच्छी पकड़ गया था, लेकिन अब फिर से मेंटेन है। और आई डियालो की बात करूँ, डियालो 8 क्रेडिट का टॉप का प्लेयर एक्चुअली, क्रेडिट मत देखो, क्योंकि क्रेडिट देख के जो टीम बनाएगा, जो बंदा पॉइंट्स देख के टीम बनाएगा, वो डेफिनेटली हारेगा। और आगे से बात करूँगा इस मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर एल गोटेस्का। गोटेस्का ने फॉर्म पकड़ लिया एक्चुअली, बंडसलीगा लीग में भी लगातार गोल कर रहा है लगातार एक्चुअली, जे किमिच की जगह इसने घेर ली, क्योंकि जे किमिच पहले लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर था, बट नाउ इट वाज ए मिडल मिडफील्डर एंड लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर वाज एल गोटेस्का। तो एस गनैरबी का तो भाई इन्होंने काम ही खत्म कर दिया बीच में से, लेकिन गनैरबी भी बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ सकते हैं, अगर गनैरबी खेला तो मैं आपको इसको लेने को बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। आगे से बात करूँ के कोमान की, काफ़ी लोग कोमान को आज ड्रॉप करेंगे, बताऊँ क्यों, डी अलाबा की जगह, लेकिन अलाबा एक डिफेंडर है गाइस, नॉट ए मिडफील्डर, इन्होंने जान के सेक्शन में डाला हुआ है, अगर क्लीन शीट लगी भी तो भी कोई फायदा नहीं है डी अलाबा का, इसको क्लीन शीट के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आई वांट टू से दैट गो विद के कोमान। और आगे से बात करूँ एम वरेटी की, वरेटी इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, इट्स अ राइट हैंड साइड मिडफील्डर, असिस्ट कर सकता है, लेकिन गोल की उम्मीद ना ही करो तो अच्छा है। आगे से बात करूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड की, के मपैबे, तो यार जिस टीम में न्यूमर होगा उस टीम में मपैबे भी, और उस टीम में मपैबे भी है, तो मतलब देखा जाए तो इनकी जोड़ी ना जमती है सच्ची में भाई, मैंने इनकी जोड़ी जमते देखी है, एक एक मैच के अंदर इस टीम ने 5-5 गोल तक कर रखे हैं, इसलिए ये सीज़न के इंटरेस्टिंग टीम्स का मैच है। तो मैं आपको बार बार बोलूँ कि न्यूमर पिछले मैच के अंदर नहीं खेला था, इसकी लीग वन में तो वापसी हो गई थी, बट इस लीग का मुझे पता नहीं, क्योंकि कई बार ये ना रेस्ट दिलवाते हैं, ये बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिलवाते हैं बड़े मैचेस के लिए, पर आज मुझे लगता है खिलवा दें, क्योंकि ये बड़ा मैच ही है, इससे बड़ा मैच और क्या होगा। और आगे से बात करूँ रॉबर्ट लेवेंडोस्की की, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर हैं ये सारे, के मपैबे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, टीम मलर को तो ले नहीं पाएंगे, तो न्यूमर के बारे में आप जानते ही हो, न्यूमर के बारे में तो जानते ही हो, तो इसलिए मैं रॉबर्ट को इसलिए फेवर में ले रहा हूँ। एक्चुअली रॉबर्ट एक पेनल्टी टेकर है, और ये 99.9% रेशियो पे पेनल्टी किक कर चुका है, झूठ नहीं बोल रहा, जाके देख सकते हो। और आगे से बात करूँ मॉइस केन की, अगर मॉइस केन ना खेलते हुए न्यूमर खेला तो मैं जैसे मर्जी क्रेडिट मेंटेन करूँगा, लेकिन मैंने इन तीनों को अपनी टीम में लेना है। ठान लो कि आपने न्यूमर, मकैबे और रॉबर्ट लेवेंडोस्की को अपनी टीम में लेना है, एक भी प्लेयर मिस हुआ वहीं हारोगे, इतनी गारंटी है। और अगर तीनों आपकी टीम में हुए तो डेफिनेटली आपके चांसेस जीतने के 80% से ऊपर होंगे, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल मत करना कहीं आप क्रेडिट के कारण बड़े बड़े प्लेयर निकाल दो और बाद में पछताओ। तो मेरा कैप्टन है के मपैबे एंड वाइस कैप्टन रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बिकॉज मैं पेनल्टी टेकिंग के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा गाइज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।